वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और मैं और एक दोस्त हम दोनों सिक्किम जा रहे हैं। तो ये राइड मैं तुतिंग से स्टार्ट किया और तुतिंग से सिक्किम तक मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उधर तक 1400 किलोमीटर ऐसे है। पहले तो मैं गुवाहाटी आया और उधर से मेरा दोस्त को पिकअप किया और कल हम लोग गुवाहाटी से निकला। तो अभी हम लोग पहुँच गए बीरपारा नाम का एक जगह में। तो अभी हाईवे पे ही हूँ, थोड़ा ब्रेक ले रहा था। तो ये है मेरा दोस्त विजित बसुमतारी, तेजपुर का है। और ये है बसंती। तो जितना हो सके मिनिमम सामान लेके जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों मतलब अपना अपना बाइक ले जाने का प्लान था, लेकिन फिर मतलब चेंज किया, एक ही बाइक पे चलेंगे बोल के। तो बाकी जितना भी सामान था सब मतलब रख दिया गुवाहाटी में ही इसके रूम में। और मिनिमम सामान मतलब जो भी मतलब एकदम इमीडिएट रिक्वायरमेंट उसको ही लेके जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग एग्जैक्टली जा रहे हैं सोरेंग नाम का एक जगह में सिक्किम में। वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उधर ही हम लोग रुकने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ से सोरेंग तक 180 किलोमीटर ऐसे होगा, तो पता नहीं आज पहुँच पाएगा कि नहीं, लेकिन ट्राई करूँगा पहुँचने के लिए। तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगा सोरेंग तक का जो जर्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हो इधर अभी भी 160 किलोमीटर बाकी है और टाइम हो गया 4:11 PM। देखते हैं पहुंच पाता है कि नहीं तो बीच में कहीं होटल में रुकना पड़ेगा। और वेस्ट बंगाल का रास्ता ये हाईवे बहुत ही शानदार है। बस फोर लेन नहीं है लेकिन रास्ता बहुत स्मूथ है, अभी तक कोई भी गद्दा नहीं दिखा। और इधर भी आसाम का जैसे बहुत टी गार्डन्स है, रास्ते में बहुत सारा दिखा। गुवाहाटी यहाँ से 350 किलोमीटर ऐसे होगा और गुवाहाटी तो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो इस वजह से मतलब उस तरफ बहुत सारा ट्रक आना जाना होता है। ये आप देख ही सकते हो बहुत ही बिजी होता है ये रास्ता। और ऊपर से ये 2 लेन रास्ता है तो इधर स्पीड चलाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए दोस्तों रास्ता कितना शानदार है। ये जगह का नाम बिनागुरी है। यहाँ पे एक स्कूल है वो NIOS का, बहुत बड़ा कंपाउंड है। सेंट जेम्स स्कूल, ओके, बहुत ही बड़ा स्कूल है। अभी हम लोग पहुंच गया चालसा नाम का एक जगह में। तो इधर ही बहुत भूख लग रहा था तो इधर ही हम लोग मोमो खाया, बहुत टेस्टी था। ये इलाका में चालसा जगह में ये बहुत ही पॉपुलर है, ऐसे बताया था ये भाई ने। तो ये है यहाँ पे बनाता है। अरे हेलो भैया।
आप लोग का सच में मोमो बहुत शानदार लगा। अरे थैंक यू भैया। इसको क्या मोमो बोलते हैं? हम लोग को नाम भी पता नहीं था, क्या बोलते हैं आप इसको? लोग? बटर मोमो भैया, बटर ऊपर मोमो। से बटर लगा के दिए थे, ओके बटर ओके मोमो लगा ओके के। मोमो तो का आप बहुत सारा वैरायटी है भैया हमारे पास, ओके। आप पोस्टर में देखिए ना, बहुत सारा वैरायटी हाँ है। हाँ तो इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर है ये चालसा में, और इसका नाम उन लोग रखा है पबजी, पबजी मोमो। तो ये देखिए कितना वैरायटी का मतलब मोमो मिलता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 33 वेराइटीज ऑफ मोमो इधर। तो ये मतलब सिंपल सा बात नहीं है, क्योंकि 33 वेराइटी ऑफ मोमो एक ही दुकान पे, ये बहुत ही मतलब बढ़िया है। तो आप लोग मतलब कहाँ से खुद सीखा? जी भैया खुद सीखे। ओके ओके ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा। फिर वापस आते समय जी मिलेंगे ना? वापस आते समय हाँ मिलिएगा भैया। थैंक यू भैया। ओके ओके अरे भैया तो गाइस अभी हम लोग इधर से निकलते हैं, और आज वो दोस्त का घर तक तो नहीं पहुंच पाएगा शायद, तो हम लोग जोरथांग नाम का एक जगह में उधर ही होल्ड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट दिन को, अगले दिन को हम लोग निकलेंगे सोरेंग के लिए, तो आप लोग देखते रहिए। कल हम लोग जोरथांग को बहुत मतलब देर से पहुंचा, 9:30 PM के आसपास, तो ऑलमोस्ट सारा होटल बंद हो ही चुका था, तो इस वजह से मतलब जैसे तैसे एक मैनेज कर दिया इधर ही सामने में एनी हेम रेस्टोरेंट नाम से, और उधर मतलब लॉजिंग भी होता था। तो अभी हम लोग चलेंगे वो दोस्त का घर सोरेंग, और यहाँ से ये जोरथांग से सोरेंग तक 27 किलोमीटर्स है, अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो 1 घंटा ऐसा लगेगा होगा उधर तक। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ सोरेंग तक का जर्नी, तो लेट्स रिज्यूम। तो दोस्तों अभी हम निकल गया जोरथांग से, अभी यहाँ से 18 किलोमीटर्स बता रहा है सोरेंग तक। दोस्तों ये है अक्कर ब्रिज, और इसको कॉमनली जोरथांग ब्रिज भी बोलता है। यहाँ से लेफ्ट लेना है, फिर से 11। देखो कितना स्टीप है भाइयों बहनों, थोड़ा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ गया ना जाओ नीचे। दोस्तों अभी हम सोरेंग पहुंचने वाला है, और बस 2 किलोमीटर है। ठंड तो इधर काफी है,
वेलकम टू सोरेंग। तो फाइनली हम लोग पहुंच गया सोरेंग। कहाँ से? ओ इधर ही पूछना पड़ेगा डोडा का एक बार। ये यार हुसुन, यार हुसुन डोडा डोडा डोडा। अभी हम लोग जा रहे हैं डोडाक विलेज। हम लोग जिस दोस्त के पास जा रहे हैं उसका घर उधर ही है। तो यहाँ ये सोरेंग बाज़ार से वहाँ तक 6 किलोमीटर ऐसे दिखा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कार मतलब फोर व्हीलर ही यूज़ करते हैं। बाइक और ये स्कूटर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। और ऐसे हर टर्निंग पे हॉर्न बजाना पड़ता है। नीचे जोरथांग में तो ठंड बिल्कुल नहीं था, तो इस वजह से मैं हैंड ग्लोव्स भी नहीं लगाया था। अभी इधर ठंड पड़ रहा है। तो गाइस अभी हम बस पहुंचने वाले हैं डोडाक और ये व्लॉग मैं इधर ही रख रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।